नमस्कार दोस्तों, साइक्लोन ट्रैकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आज के मौसम पूर्वानुमान 16 जुलाई के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तर पूर्वी अरब सागर और सौराष्ट्र के आसपास के तटीय क्षेत्रों में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान इसके धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ने और एक डिप्रेशन में बदलने की संभावना है। एक अन्य निम्न दबाव का क्षेत्र तटीय ओडिशा पर स्थित है और एक सक्रिय मानसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति के दक्षिण में है। इसके 17 जुलाई से धीरे धीरे उत्तर की ओर शिफ्ट होने की संभावना है। एक अपतटीय ट्रफ रेखा गुजरात तट से महाराष्ट्र तक फैली हुई है। इसके प्रभाव से अगले 5 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़, विदर्भ, मध्य प्रदेश, ओडिशा, कोंकण, केरल और तटीय कर्नाटक में और अगले 2 दिनों के दौरान मध्य महाराष्ट्र, गुजरात राज्य और आंतरिक कर्नाटक में भारी वर्षा होने की संभावना है। आज 16 जुलाई सौराष्ट्र, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अलग अलग बारिश होने की संभावना है। इसके बाद बारिश की गतिविधि में वृद्धि होगी। अभी के लिए इतना ही। अलविदा और आगे का दिन शुभ हो।